हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो एक एम्पलीफायर आता है जो 15 प्लस 15 वाट का होता है, जिस पर हम सिंपली 15 वाट और प्लस 15 वाट के दो स्पीकर्स को हम चला सकते हैं। लेकिन मेरे पास है यहाँ पर एक 80 वाट का स्पीकर, और ये स्पीकर आपको पता है ये आपको ट्रैक्टर वाले पर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसको चलाने वाले हैं इस 15 प्लस 15 वाट के एम्पलीफायर के साथ। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये आईसी खराब हो जाएगा या एम्पलीफायर अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं करेगा, वो तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चलने वाला है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे इसके साथ कनेक्ट करने पर क्या होगा। गाइस, सबसे पहले हमें इसका जो एम्पलीफायर का जो फंक्शन है उसे हमें बनाना पड़ेगा, और उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सामानों को लेना पड़ेगा। जैसे तो मैंने आपको एक बता दिया कि 15 प्लस 15 वाट का एक एम्पलीफायर लेना, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, तो आपको ये लेना है। नीचे में आपको एक लकड़ी का पट्टा ले लेना है, या आप पीवीसी पाइप पर भी इसे लगा सकते हो, क्योंकि बस इसके स्टैंड करने का मुझे काम करना है। एक मैं यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल यूज करने वाला हूँ, जिस पर हमें यूएसबी, टीएफ कार्ड, ब्लूटूथ और भी काफ़ी सारे फंक्शंस में देखने को मिल जाते हैं, तो टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे। साथ ही डायरेक्ट तो हम स्पीकर को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक है डबल चैनल्स, देख सकते हो, एक राइट चैनल के लिए है और एक लेफ्ट चैनल के लिए। तो इसके लिए मैं फीमेल पोर्ट का यूज करने वाला हूँ, जो स्पीकर का फीमेल पोर्ट होता है ये इस तरीके से जो केबल होता है, इसका हम यूज करने वाले हैं। और इसे पावर देने के लिए हमें 12 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक हम इस पर इनपुट दे सकते हैं। तो पावर सप्लाई मैं SMPS से दे दूंगा, लेकिन जो हमारा ये मॉड्यूल है, पैनल है, इसे हम कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसे ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, जो हम देंगे लिथियम आयन बैटरी से। और इसे चार्जिंग के लिए मैं यूज करूँगा एक TP4056 मॉड्यूल, या आप चाहो तो आप यहाँ पर DC बूस्टर का भी यूज कर सकते हो इसे 12 वोल्ट बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी 80 वॉट का स्पीकर को मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर DC बूस्टर बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करके दिखाना है। तो मैं इसे हटा करके SMPS यूज करूँगा। अब इसके कनेक्शन तो मैंने काफ़ी सारे पहले वीडियोस में मैं बता दिया हूँ, तो वीडियो को मैं डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मैं पूरा कनेक्शन बताऊँगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो अभी सिर्फ इसका लगाने का कनेक्शन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ पावर सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर है मेरे पास एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर का SMPS, और इसका जो पावर वोल्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ये हो जाता है। अगर आपको ये SMPS चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दूंगा, वो भी अनबॉक्सिंग के साथ, क्योंकि आपको अनबॉक्सिंग पर आपको पूरी डिटेल बताइए कि ये किस तरीके से काम करता है। ये खराब भी एक बार हो चुका है, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी देखने को। तो ये SMPS आपको इस पर यूज करना है, या आप यहाँ पर रेगुलेटर का यूज कर सकते हो 5 वोल्ट डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बैटरी को लगा दिया हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो SMPS को कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। इसे मैं फिलहाल ग्लूगन से चिपका रहा हूँ, क्योंकि आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक करना है। मैं बार बार इसलिए लाइक बोलता हूँ क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं हो और पूरी वीडियो को देखते भी नहीं हो, तो ऐसा मत करना, मेहनत करता हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पूरा जो कनेक्शन है वो मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस लगाया, जैसे कि मैंने आपको बोला SMPS में यहाँ पर लगाऊंगा, लेकिन लाइन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस पर 12 वोल्ट में इनपुट दे दे रहा हूँ, जो हमारा DC बूस्टर से डायरेक्ट आया हुआ है। यहाँ पर मैंने अलग अलग कंपोनेंट को यूज किया है, क्योंकि मैंने आपको पूरा कंपोनेंट तो नहीं बताया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कंपोनेंट में कौन कौन सा यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कंपोनेंट हमारा ये एक पावर बैंक का मॉड्यूल, और इस पावर बैंक मॉड्यूल को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं यहाँ पर जो बैटरी यूज कर रहा हूँ ये बैटरी है 3.7 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर है ये टोटल 3000 mAh का, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पैकेज का अगर हम लगाएंगे, मतलब mAh का ज़्यादा लगाएंगे, तो उस पर हमारा ये होगा कि हम जैसे कि इस पर 12 वोल्ट इनपुट देंगे या 24 वोल्ट इनपुट देते हैं तो वो पावर सप्लाई इसमें कंज्यूम हो जाएगा, मतलब ये लोड ले लेगा। अब मान लीजिए कि ये 3.7 वोल्ट की है और उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट इनपुट चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया है एक DC बूस्टर, और ये DC बूस्टर भी एक आता है और एक आता है DC-DC कन्वर्टर, जिसको आप स्टेप डाउन मॉड्यूल भी बोलते हो, और स्टेप डाउन मॉड्यूल भी मेरे पास है, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा देखने को। ये देखिए, ये है स्टेप डाउन मॉड्यूल और ये है DC बूस्टर मॉड्यूल। अगर मैं दोनों को इस पर साथ में रख दूँ, वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको पूरा बताऊँगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, अब आप लोग मुझे देख करके बताओ इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से रख दूँ तो आप लोग आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर लगा हुआ है, सेम IC है तो IC भी लगा हुआ है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसका मैंने पहले भी एक अच्छा सा वीडियो मैंने बना दिया है, और देख सकते हो गर्मी से मेरी हालत जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लाइन का इशू काफ़ी ज़्यादा है, और पता है अगर मैं फ़ैन को चलाता हूँ तो मुझे यहाँ पर नॉइस काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसे टेस्टिंग करेंगे। भाई तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुली काम करता है, मतलब ये 15+15 वाट के साथ एक 80 वाट का स्पीकर अच्छी तरह से वर्क करता है तो आप इसे ज़रूर बनाना, क्योंकि ये तो एक सोलर पैनल से डायरेक्ट चार्ज होता है, क्योंकि सोलर पैनल का जो कनेक्शन है उसे मैंने दोनों बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आधा पावर सप्लाई आपका चलेगा इसके लिए और ये आधा पावर सप्लाई चलेगा इसके लिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोग भाई कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने जो ऑक्स केबल को यूज किया है वो ऑक्स केबल का केबल एक यहाँ से टूटा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये टूटा हुआ नहीं है, ये मैं खुद से ही खोल दिया हूँ, क्योंकि खोलने का कारण यह है यहाँ पर जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, आपको पता है, मुझे ही पता है, आपको कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड और ग्राउंड दोनों एक साथ मिलेंगे तो यह काम करेगा कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो भी यहाँ पर ग्राउंड मिल जाएगा, और इसको ऑन करता हूँ तो भी ग्राउंड मिल जाएगा। तो ऑक्स केबल का मैं यहाँ पर ग्राउंड हटा चुका हूँ, सिर्फ लेफ्ट और राइट का यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट किया गया है। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी पहले स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे वाले स्पीकर के साथ, क्योंकि आपको टेस्टिंग डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये सब वूफर को चेक करके दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो 6 ohms का है और 8 watt का है, तो इस पर 15+15 watt की चलाई जा सकती है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट करूँगा और आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद 80 watt का स्पीकर चेक करके दिखाऊंगा। आप बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, गर्मी से मेरी हालत हो गई ख़राब, अब चाहे टेस्टिंग करते। स्पीकर को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट तो कर दिया है, अब आती है बात इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ पेन ड्राइव, क्योंकि इस पर NCS म्यूजिक लगाया गया है, क्योंकि एक स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है और एक स्मार्टफोन से ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, डबल रिकॉर्डिंग। ये जो है आप पेन ड्राइव देख रहे हो, इस पर NCS म्यूजिक लोडेड है। अब मैं करता हूँ इसे सबसे पहले स्टार्ट, यहाँ पर देख सकते हो पैनल पर जो है वो लाइन आ चुका है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे और उससे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप साफ साफ सुन सकते हो कि इस पर जो ये AUX मोड पर चला गया, ऑक्स मोड पर चला गया है। अब इसे हम चेंज करेंगे, लेकिन इसे लगाकर ये मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप यहाँ पर साउंड को इजीली सुन सकते हो कि इस पर जो साउंड है वो आ रहा है। मैं स्पीकर के लिए माइक को सामने रख दे रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी और इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देने वाली है। गाइस, यहाँ की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें 8 ohms का जो स्पीकर लगा हुआ है उस पर ये साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है।
गाइस यहाँ तक का जो कनेक्शन है या टेस्टिंग आप बोलो, ये दोनों अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब मैं आपको उस घड़ी पर लेकर के चलता हूँ जिस घड़ी के आप लोग पे तहरी से या क्या क्या बोलते हैं उसे उतनी देर से वेट कर रहे हो। समझो, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये ओवर एक्टिंग नहीं है, बस मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है वो है गर्मी। अब ये जो 80 वोल्ट की जो स्पीकर है, अब हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। 80 वोल्ट की स्पीकर है, अगर इसकी कोयल में दिखा तो नहीं सकता हूँ, मैग्नेट दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो इतनी मोटी मैग्नेट लगी हुई है और इस मोटी वाली मैग्नेट को मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। यहाँ पर मैं देखिए, पहले मैं इधर चलाया हूँ, ये राइट साइड का चैनल है, ये लेफ्ट साइड का चैनल है। अब मैं लेफ्ट साइड के चैनल पर इसे लगा देने जा रहा हूँ। ये मैं लगा रहा हूँ और ये भी टूट चुका है अभी तक। सक्सेसफुली ये अब लग चुका है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना काम करेगा, कैसा काम करेगा, वो तो आपको अभी देखने पर ही पता चलने वाला है। आप बस करना वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं थोड़ा और इसे ऊपर कर लेता हूँ। ये साउंड जो आपने सुना वो चेयर की साउंड है, ये मत समझना कुछ और साउंड है, ये एसी की साउंड है। यहाँ पर मैं कैमरे को जितना उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो दोनों स्पीकर को, दोनों ने एक स्पीकर है, एक स्पीकर को और बाकी का कनेक्शन ये यहाँ पर है। अब हम इसे सबसे पहले साउंड को कम करेंगे, क्योंकि ये बड़ी वाली स्पीकर है, हो सकता है ये एम्पलीफायर जो आईसी है वो भी ख़राब भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर इसे प्ले करने वाले हैं। गाइस अभी आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल बड़े वाले स्पीकर की जैसी आ रही है अभी इसकी साउंड। मैं आपको माइक को सामने लेकर के दिखाता हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ, अभी मैंने साउंड को फुल भी नहीं किया है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा हाईएस्टली आ रही है, और एक्सपेरिमेंट की वीडियो था तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चला गया है। अभी तक तो बात करें तो इसकी टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई हुआ है, मतलब आईसी थोड़ा गर्म हुआ है। अब मैं साउंड को फुल कर रहा हूँ और सब भगवान पर हम छोड़ देते हैं, भगवान को देखते हैं क्या होने वाला है। अब ये साउंड फुल हो चुका है, अब हम इसे प्ले करने वाले हैं। हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपके लाइक पर ही ये टिका हुआ है। चलिए अब मैं प्ले कर रहा हूँ इसे फिर से। गाइस यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो ये रेड कलर की जो लाइट है ना वो ब्लिंकिंग कर रही है जब ये म्यूजिक स्टार्ट होता है। अगर बेस क्वालिटी की बात करें तो बेस तो कुछ खास नहीं आ रहा है, बस इसमें जो फटी वाली जो स्पीकर होती है कुछ उस टाइप से इसका साउंड आ रहा है। और आईसी की बात करें तो आईसी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब 15+15 वाट पर 80 वाट का स्पीकर चला सकते हो, लेकिन कम साउंड पर आप चलाना, ज़्यादा साउंड पर चलाओगे तो ये तुरंत से आईसी ख़राब होने वाला है, एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, जैसा मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ। ये इतना टेस्टिंग हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये है 80 वाट का स्पीकर, आपको पता है। अब जो हमने जो शुरू में स्पीकर चेक किया था ये कितना 8 वाट का, हम इससे भी कनेक्ट करने वाले हैं। अब तो मुझे नहीं लगता है कि ये आईसी जो है वो अब जिंदा बचने वाला है, मतलब ये गया 100% ये जाने वाला है, क्योंकि ये 15+15 वाट का चलने वाला है एम्पलीफायर है, और इस पर मैं लगा दे रहा हूँ लगभग 88 वाट का पावर आउटपुट,
जो एक छोटा सा एम्पलीफायर तो लोड नहीं लेने वाला है, इसके लिए 6283 यूज भी नहीं कर सकते हैं, और ना 4440 पर हम इतने बड़े स्पीकर को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इसे आज चलाने वाला हूँ। लाइक करना यार, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ गाइस। दोनों जो स्पीकर है वो दोनों यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है गाइस। गाइस दोनों स्पीकर चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर। ये इतना ज़्यादा लाउड साउंड अप हो गया, अब इससे ज़्यादा तो मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता हूँ। आईसी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है तो मैं इसे कर रहा हूँ बंद। अब आप लोग मुझे बताना कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रिकमेंड करता हूँ आप 80 वाट का स्पीकर इस पर बिल्कुल भी मत चलाना। हाँ, छोटे स्पीकर चलाने, जैसे कि ये एक 8 ओम्स का स्पीकर है, 8 वाट का स्पीकर है, तो आप इसे चला सकते हो। 15+15 वाट बोले तो मैक्सिमम 30 वाट तक का आप एक सिंगल स्पीकर चला सकते हो, बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपको इसका फिर भी कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा है, तो आप उस पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और भी साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।